तो गाइज आपका हमारे प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम दोबारा आज बागेरी की तरफ पहुंचे हैं और बागेरी का आज जायजा लेने आए हैं और आपको दिखाते हैं। बनास नदी में बागेरी का बहाव बढ़ चुका है क्योंकि दो दिन से लगातार बारिश है, जोरदार बारिश की वजह से हम दोबारा बागेरी आए हैं और आज बागेरी का जो एक फीट की जो चादर चल रही है उसको हम आपको लाइव दिखाते हैं। आप बने रहे वीडियो पर, वीडियो पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देख सकते हो बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ बागेरी का आनंद लेने पहुँची है और फाइनली हम बागेरी पे पहुँच चुके हैं और आज लग ऐसा रहा है कि आज ही बागेरी की चादर छलकी हो, ऐसा पूरा का पूरा मज़ा आज नहाने का लेने जैसा। आप देख सकते हो आनंद आज बहुत ही घनघोर जंगल अरावली की पहाड़ियों में, ये जो बागेरी नाका बांध है रासमन का सबसे बड़ा बागेरी नाका बांध, और जिसको देखने आज पहले दिन दो दिन से लगातार तीन दिन से बारिश होने की वजह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। पर्यटक की दृष्टि से यह बागेरी नाका पेयजल योजना की दृष्टि से सबसे बड़ा रासमन का बांध है, जो करीब हफ्ते भर पहले चादर चली थी उसके बाद आज पूरे ही लंबा चादर चल रहे हैं। आप देख सकते हो रामदेवरा यात्री भी यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। एक मिनट, तो अब आप देख सकते हो बहुत ही शानदार का नज़ारा यहाँ बागेरी का, और यहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई प्रकार की मना नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से दो तीन साल से बागेरी के नाका पर रोक लगी हुई थी नीचे नहाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हो आप आनंद ले सकते हो। बहुत ही शानदार यहाँ की जो अरावली की इस घनघोर जंगल और ये अरावली की सुंदर रमणीय स्थल बागेरी आज हम फाइनली आपको यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं, डायरेक्ट सीधा लाइव दिखा रहा हूँ। लोग आनंद ले रहे हैं नीचे, पानी के नीचे, झरने के नीचे नहाने का भरपूर आनंद ले रहे हैं। इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए मेहनत करके बनाते, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में। साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को वीडियो शेयर करिएगा क्योंकि बागेरी का जो मनोरम दृश्य है बहुत शानदार यहाँ का नज़ारा, और एक फीट की चादर चलते बागेरी का आपको दिखा रहे हैं पूरा यहाँ से सीधा लाइव प्रसारण। कुछ रामदेवरा यात्री भी यहाँ पे पहुँचे, इनसे भी हम बात करेंगे और दिखाते हैं। आप बागेरी पहली बार आए हो? तीसरी बार आ गया। तीसरी बार है, क्या नाम है आपका? अशोक। स्नान वनान किया है आज? हैं, मज़ा आया? मज़ा आया। कहाँ से हो प्रॉपर? मावली। मावली, मावली उदय रामदेवरा जा रहे हो, देख सकते हो हमारे भाई हैं। और मनोहर क्या लगाते हो आगे? मनोहर भील हैं और हमारे आदिवासी तो रंगीले होते हैं, आप देख सकते हो डीजे सेट करके जा रहे हैं रामदेवरा। ये किसा चार्जर वाला है क्या? बैटरी वाला है। अच्छा, तो बैटरी कहाँ लगी हुई से? बाइक की बैटरी। अच्छा, बाइक की बैटरी से डीजे लगा रखा है इन्होंने। कितने लोग जा रहे हो? 12 लोग हैं पूरे ग्रुप में। बाइक पे, एक बाइक पे कितने? तीन जने। और बड़ी रिस्क, हमारे आदिवासी भाई बड़े रिस्क लेते हैं बाइक पर, बाइक की जोखिम भरी यात्रा करते हैं। और अभी आपको दिखाते हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। देखते हैं, आइसक्रीम वाले भी यहाँ पे पहुँचे हैं, बादाम शेक आइसक्रीम का भी आप मज़ा ले सकते हो। इसके साथ में क्या बात है, ये कौन सा भुट्टा बेटा? अमेरिकन। अरे बाप रे, अमेरिकन भुट्टा। कहाँ से हो? हाँ, कहाँ से? नाम तो बता भाई। तो ये देख सकते हो गाँवगुड़ा का बंदा है जो अमेरिकन भुट्टा बेच रहा है यहाँ पे। तो नमस्कार सर, तो पहुँच गए हम बागेरिया का, और फाइनली हमारे यहाँ पे कुछ पर्यटक लोग भी आए हुए बाहर से घूमने के लिए बागेरी आए, उनसे भी हम बात करेंगे। थोड़े नज़दीक आ जाओ, आवाज़ नहीं आई थी बागेरी की, चादर की आवाज़ बहुत तेज है मेरी आवाज़ से। भैया कहाँ से आप? नाथद्वारा से। बागेरी कितनी बार आए? बहुत बार, मतलब हर साल आते हैं। कैसा यहाँ का नज़ारा के बारे में क्या कहना आपका? बहुत बढ़िया नज़ारा है, ऐसा लगता है जैसे हरिद्वार, मनाली, उत्तराखंड, पूरा चादर चलता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे मतलब इसके सामने, बागेरी के सामने अच्छे अच्छे जो पर्यटक स्थल हैं वो भी यहाँ पे फेल हैं क्योंकि यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में लोग देखने आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर से यहाँ पे आते हैं, बहुत दूर से। यहाँ आप देख सकते हो, मैं कैमरा मैन को बोलूँगा कि आप ज़्यादा दिखाइए, यहाँ नहाने का आनंद ले रहे हैं। दो साल से कोरोना की वजह से यहाँ पे लोग के नीचे, पाल के नीचे नहाने पर बिल्कुल रोक लगा रखी थी, लेकिन अभी देख सकते हो पुलिस का कोई गार्ड नहीं है, यहाँ पे आराम से नहा सकते हो। इतना
इतना भी पानी का बहाव नहीं है कि किसी प्रकार का कोई मतलब अनहोनी होए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ घूमने वाले सभी से आग्रह करूँगा कि आप अपना खुद का ध्यान रखें और यहाँ सेफली आप मजा लेवे, इस चादर के नीचे नहाने का, झंडे के नीचे नहाने का मजा लेवे। साथ में आपके बहन है, आपसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आप कितनी बार आए हैं बागेरी? पहली बार। कैसा लग रहा है? अच्छा, आपके मम्मी जी? अच्छा, आपका क्या नाम है? अच्छा बागेरी। अच्छा, आप कितनी बार आए हैं बागेरी? हर साल आते हैं। हर साल नादौरा ही रहते हैं। अच्छा, नादौरा से रहे। कहाँ, यहाँ के नज़ारे के बारे में क्या कहना है आपका? यहाँ के नज़ारे के बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल प्राकृतिक नज़ारा है, ऐसा नज़ारा उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, वैष्णो देवी इधर मिलता है। इतना शानदार लगता है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हम आप नज़दीक जाके दिखा रहे हैं आपको, और बागेरी का जो देख सकते हो, यहाँ लहरों के नीचे नहाने का पूरा आनंद लेते हुए अपने जो भाई बाहर से घूमने आए हैं। वास्तव में साथियों, यहाँ की काबिलियत तारीफ है कि यहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा है बहुत ही मनभावन नज़ारा है। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे आने के लिए आतुर रहते हैं। यहाँ बागेरी वो अभी इसका देख सकते हो, इसकी जो चादर है, आज एक फीट जो चादर चल रही है, इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। या आज यहाँ फर्स्ट दिन है, तीन दिन से लगातार बारिश होने के बाद यहाँ पर लोग आए। आप कहाँ से हो? गोरज नेरज। कहाँ कहाँ, यहीं आए या और कहीं जा रहे हो? यहीं घूमने आए हैं। यहाँ का नज़ारे के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे नहाने गए हो या अब जाओगे? अब जाएंगे। चलो,